फाइबर पर आप गिग तो लगा लेते हैं, लेकिन गिग का टाइटल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और पूछा जाने वाला सवाल है कि हम लोग कैसे गिग के टाइटल को फाइबर पर लगा सकते हैं, मतलब गिग टाइटल ऑन फाइबर। तो ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया सवाल है, तो इस वीडियो में मैं आपको इसका सलूशन बताऊंगा, बल्कि एक ऐसा तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा जिसके जरिए आप लोग आपकी गिग की कैटेगरी जो मर्जी हो, मतलब लोगो डिजाइन है तो उसके लिए अलग से मैं आपको वीडियो बनाकर नहीं दिखाऊंगा, बल्कि आज मैं आपको एक ऐसा गोर, एक ऐसा तरीका, एक ऐसा टूल बता दूंगा जिसके जरिए आप फाइबर के कीवर्ड रिसर्च करके अपनी गिग में, अपनी गिग के टाइटल में कीवर्ड ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं, गिग के टाइटल की एसईओ अच्छी कर सकते हैं, उसके जरिए आपकी कैटेगरी अच्छी आएगी, आपकी गिग इंशाल्लाह अच्छी रैंक करेगी। टाइटल के जरिए ही आपकी फाइबर की गिग का ऊपर वाला जो यूआरएल होता है वो बनता है। तो मतलब टाइटल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपका, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन आपके टाइटल पर पड़ता है क्लाइंट का। तो चलिए आए सीखते हैं fiverr.com पर अपनी गिग के टाइटल को कैसे सेट किया जाता है। तो मान लेते हैं कि हमने फाइबर पर जो गिग लगानी है वो है डाटा एंट्री के रिलेटेड, या फिर मान लेते हैं कि हमने जो गिग लगानी है वो है लोगो डिज़ाइन यानी कि ग्राफिक डिज़ाइन के रिलेटेड। तो चले पहले इन दोनों की गिग का टाइटल खोल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों हाईली रैंक्ड गिग है इसलिए हमने इनको चुना है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ना वायरल हुई हुई है। सबसे पहले अगर हम इस गिग को देखें तो इसने काफ़ी ज़्यादा लंबा इसने टाइटल लिखा, और इसमें सबसे पहला वर्ड इसका ये है वर्चुअल असिस्टेंट, इसके साथ दूसरा वर्ड इसने यूज़ किया डाटा एंट्री, तीसरा वर्ड है टाइपिंग और कॉपी पेस्ट, कोई खास वर्ड नहीं है, इसके बाद चौथा वर्ड है वेब रिसर्च। तो हमने ये जाना कि इसने चार कीवर्ड यूज़ किए हैं अपनी इस गिग में, यानी कि फाइबर की कीवर्ड रिसर्च इसने काफ़ी अच्छी खास की है। अगर हम लोगो डिज़ाइन को देखते हैं तो सबसे पहले तो इसका एक लोगो आ गया, ठीक है, तो ये एक कीवर्ड आ गया। इसके बाद बिजनेस लोगो, ये भी एक कीवर्ड है, इसके साथ ही 3D बिजनेस लोगो, तीन कीवर्ड, और इसके साथ लग्जरी लोगो, लग्जरी लोगो, ये दोनों भी एक कीवर्ड हो गए हैं, और लग्जरी 3D लोगो भी कीवर्ड। मतलब तो इसने भी तकरीबन जो है ना वो चार कीवर्ड यूज़ किए हैं, चार नहीं तो तीन तो बनते हैं, एक लग्जरी इसके साथ लोगो लग गया, इसके साथ बिजनेस लोगो ये, और 3D बिजनेस लोगो, तकरीबन इसने भी तीन कीवर्ड जो है ना वो पक्के यूज़ किए हैं। तो अब हमने देखना है कि हम ये कीवर्ड कैसे ढूंढ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये कैसे पता चलेगा कि ये लो कीवर्ड हैं, जैसा कि हम बिजनेस लोगो को करते हैं कॉपी, यहाँ पर आकर के पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर कितने लोग सर्विस दे रहे हैं, तो तकरीबन इस पर 50,000 प्लस है, यानी कि ये भी अच्छा खासा कंपटीशन वाला वर्ड है। तो अब हम आ गए अपनी गिग पर, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एक टाइटल है आई विल डू डाटा एंट्री, हमारा एक कीवर्ड आ गया है एक्सेल PDF और टाइपिंग, ये दो से तीन तकरीबन कीवर्ड हो गया, और वेबसाइट इससे रिलेटेड नहीं है। हमने देखना है कि कैसे हम कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक टूल सजेस्ट करूंगा, इसका नेम है keyword.io, आप इसे जो है ना गूगल पर जाकर के ढूंढ सकते हैं। जैसे ही आप लोगों ने ये ओपन करना है तो आप लोगों ने यहाँ पर जाकर के सीधा फाइबर को सेलेक्ट कर देना है, इसके बाद आपने इसकी सर्च बॉक्स पर यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखना है, जैसा कि डाटा एंट्री है तो डाटा एंट्री लिखेंगे, और अगर लोगो डिज़ाइन है तो आप लोगो डिज़ाइन लिखेंगे। यहाँ पर जैसे आपने कीवर्ड लिख लिया तो यहाँ पर आपने कंट्री चूज करना होता है बायर का, तो हम US सेलेक्ट करते हैं और फिर करते हैं सर्च के बटन पर क्लिक, ये हमें बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया दे देगा कीवर्ड का। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तकरीबन इसने हमें 31 आइडियाज़ दिए हैं। अब हम इन आइडियाज़ में से देख लेते हैं कि हमारी गिग के लिए कौन सा अच्छा है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉपी पेस्ट डाटा एंट्री, इस कीवर्ड को हम चेक कर लेते हैं कि कितने बंदे इस पर रैंक कर रहे हैं, या कितने बंदों के रिलेटेड ये वाली जो है ना गिग है। यहाँ पर हम इसका कंपटीशन चेक कर लेते हैं। इस तरीके से आपने सब कीवर्ड का कंपटीशन चेक करना है, इस पे तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, तकरीबन 70,000 के प्लस। अब हम कोई और चेक कर लेते हैं, जैसा कि डाटा एंट्री एक्सेल या डाटा एंट्री एक्सपर्ट, तो डाटा एंट्री एक्सेल चेक करते हैं, तो डाटा एंट्री एक्सेल पे भी तकरीबन जो है ना 1,00,000 प्लस का कंपटीशन है। तो इस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा कीवर्ड चेक करने हैं, जिस पर आपको लगे कंपटीशन कम है तो आप उसको अपने यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। Shopify डाटा एंट्री, मुझे लग रहा है ये शायद कम होगा, हम इसको करते हैं दोबारा से कॉपी, चलते हैं अपनी यहाँ पर आने के बाद इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और करते हैं यस। हाँ, तकरीबन इस पर काफ़ी ज़्यादा कम है, तकरीबन 8,000 प्लस है। इस तरीके से हम यहाँ से भी कुछ ना कर सकते हैं, ऐसा कि WordPress डाटा एंट्री कर देते हैं, शायद इस पर जो है ना वो कंपटीशन कम हो। यहाँ से हम करेंगे WordPress डाटा एंट्री, हाँ, तो इस पर तकरीबन 13,000 है, तकरीबन 10,000 से कम जो है ना वो आप इस पर कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम ऑनलाइन यूज़र करते हैं तो 13,000 में से
सिर्फ 700 बंदे हैं, तो इसका मतलब हम इन पर जो है ना वो अपनी गिग बना सकते हैं और इनको रैंक भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से आपने उर्दू भी ढूंढ लेना है, वर्डप्रेस डाटा एंट्री से एक्सेल डाटा एंट्री, एक्सेल डाटा एंट्री जॉब, इस तरीके से बहुत ज़्यादा कीवर्ड आपने चेक कर लेने हैं। अब ज़रा मैं आपको लोगो डिज़ाइन के भी करके दिखा देता हूँ। अब हम लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड ढूंढते हैं, देखते हैं हमें कितने कीवर्ड लोगो डिज़ाइन के यहाँ पर मिल जाते हैं। तो लोगो डिज़ाइन के तकरीबन 70 कीवर्ड आ गए हैं, और अगर सबसे पहले ही आप देखें तो यहाँ पर है 3D बिजनेस लोगो डिज़ाइन, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था ना, वो इस वाली गिग में इसने यही लिखा हुआ है 3D बिजनेस लोगो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अंदाजा लगा रहा कि लोग यहाँ से ढूंढते हैं अपने गिग की टाइटल के लिए कीवर्ड। तो अगर हम अकेला लोगो डिज़ाइन लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा, हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं बेस्ट लोगो डिज़ाइनर, यहाँ पे इसके साथ कार्टून लोगो डिज़ाइन या कार लोगो डिज़ाइन, इस पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम होगा कार लोगो डिज़ाइन पे। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं तकरीबन 7000 का कंपटीशन। इसका ये भी फ़ायदा होता है, एक तो कार लोगो डिज़ाइन आ गया और दूसरा लोगो डिज़ाइन अकेला आ गया और तीसरा लोगो, यानी कि तीन वर्ड हमारे, तीन कीवर्ड बन गए। तो फाइवर की फुल कीवर्ड रिसर्च ही हो गई, तीन कीवर्ड हमारे बन गए। तो अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हमारी इस वाली गिग में, डाटा एंट्री की गिग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से तकरीबन आपने ना 70 से कम वर्ड लिखने होते हैं तो आपकी गिग का ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ से A1x1 करके यहाँ से कंपटीशन चेक कर लेना है, जिसका कंपटीशन कम से कम 10,000 से कम हो। वैसे अच्छा तो ये कि 5,000 से कम हो, लेकिन अगर आप 10,000 से कम पे भी लगा देंगे तो उम्मीद है आपकी गिग जो है ना रैंक कर जाएगी। और यहाँ पर ऊपर भी आपको सजेशन दे रहा है, वेबसाइट लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं आप, बिजनेस लोगो डिज़ाइन अकेला कर सकते हैं, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना यहाँ से चांसेस मिल जाते हैं। इतने ज़्यादा जो यहाँ पे लोगो आ गए हैं तो कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा कम कंपटीशन वाला लोगो, तो उसको आप यूज़ करेंगे और अपनी गिग का यहाँ से बनाएंगे टाइटल। तो जब टाइटल बनाएंगे, 3-4 कीवर्ड आपके टाइटल में आ जाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आपके गिग अच्छे से रैंक कर सके, क्योंकि टाइटल बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव होना चाहिए आपकी गिग का, ताकि आपकी गिग जो है ना वो अच्छे से रैंक कर सके। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब हमने फाइवर की कीवर्ड रिसर्च काफ़ी ज़्यादा कर ली है, तो अब हम यहाँ से सीधा सीधा अपना टाइटल यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो हमें कह रहा है कि आपका टाइटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें से कुछ कीवर्ड हम जो है ना कट कर देंगे। कीवर्ड अगर आपने गिने तो यहाँ पे एक्सेल डाटा एंट्री, ये तकरीबन 2 कीवर्ड हो गए, डाटा एंट्री अलग है और एक्सेल डाटा एंट्री 2 कीवर्ड हो गए, वेब रिसर्च 3 कीवर्ड हो गए। इसके साथ ही कॉपी पेस्ट आपने यहाँ पर देखा भी था, हमने कॉपी पेस्ट ढूंढ लिया था, और इसके साथ ही टाइपिंग और इसके साथ PDF 2, लेकिन वो थोड़ा सा गलत हो गया, टाइटल जो है ना बड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है, तकरीबन 60 से कम ही हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो तकरीबन 3 से 4 कीवर्ड हमने ऐड कर दिए हैं और एक अच्छा सा हमने अपना टाइटल बना दिया है। तो जैसे ही आप जो है ना अपना टाइटल बनाएंगे, तो अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब होता है तो नुकते हैं ना ये इस टाइटल में आप नहीं रख सकते, तो इसको हम यहाँ से कर देंगे, स्पेस दे देंगे, तो यहाँ से कॉपी पेस्ट आ गया। हाँ ठीक है, अब हमारा टाइटल जो है ना जस्ट परफेक्ट हो गया। तो जैसे ही आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे तो आपको कैटेगरी रिकमेंड कर देगा, डाटा एंट्री और यहाँ से वेब रिसर्च, क्योंकि हमने वेब रिसर्च का लगाया हुआ है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी कैटेगरी क्या है, इसके लिए आप कोई भी डाटा एंट्री के रिलेटेड गिग खोलेंगे, तो ये देखें डाटा एंट्री और डाटा टाइपिंग। तो अगर आप गौर करें तो हमारी का भी यही है, डाटा एंट्री और यहाँ से हमने वेब रिसर्च लगाया हुआ है, क्योंकि हम टाइटल में भी वेब रिसर्च लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीधा डाटा कॉपी पेस्ट या फिर डाटा टाइपिंग करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपकी जो सर्विस टाइप आप सेलेक्ट करेंगे, उसकी वजह से आपके गिग का मेटा डेटा जो होगा ना वो थोड़ा सा तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने करना होगा, यहाँ पर करने के बाद आप सेव करेंगे तो आप कैटेगरी के बाद वायरल टैग्स ढूंढ सकते हैं। अब अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि वायरल टैग्स कैसे ढूंढे जाएँ ताकि आपकी फाइवर की गिग जल्द से जल्द रैंक करे, तो आपके सामने जो वाली वीडियो आ रही है इसके ऊपर क्लिक करें। कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं।